बचत यानी सेविंग्स हम सबको समझ आती है। हम सब भारतवासी सेविंग्स में माहिर हैं और अच्छी तरह से कर भी लेते हैं। परेशानी है तो अनुशासन की यानी डिसिप्लिन की। हमारी जो सेविंग है, हमारी जो बचत होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी महीने में हमने अच्छी बचत कर ली और अगले महीने में हम कुछ भी पैसा नहीं बचा पाए। कमी कहाँ है? अनुशासन में। बचत अगर अच्छी तरह से करनी है तो कुछ इस तरह करनी है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हम निर्धारित करें और उसको सेव करें। ये होती है अनुशासित सेविंग, लेकिन ये हम कर नहीं पाते। और यहीं पर एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया बन जाता है अच्छी तरह से सेव करने। इसमें क्या होता है, अगर आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। अब इतना तो आप समझते हैं कि जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो पैसा बचत हो गया। आपने अपने बुजुर्गों से रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में जरूर सुना होगा। ये रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता था? हर महीने उस डिपॉजिट में आपके बुजुर्ग पैसा डाल देते थे। ये अमाउंट फिक्स्ड होता था, इसको आप चेंज नहीं कर पाते थे। ये भी केवल इसी तरह की बात है। हर महीने आप पैसे अलग रखिए जो निवेश हो जाए। उस जमाने में रेकरिंग डिपॉजिट्स काफी अच्छे रिटर्न देते, लेकिन अब म्यूचुअल फंड के जरिए आप रेकरिंग डिपॉजिट से कई ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं और वही अनुशासन लगा भी सकते। तो अब ये सोचिए आप कि अगर हर महीने किसी ना किसी तरह से एक निर्धारित अमाउंट आपके अकाउंट से निकल रहा है और म्यूचुअल फंड में जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो हुई ही हुई, लेकिन साथ में एक अच्छी तरह से अनुशासित तरीके से बचत भी हो गई।